मारी नडारो चंद्रा हिरका असोपा बीच दुआर सूद जात के होई के कैसर बांधिस परेम के हम खन के गौर से चंद्रा हिरका राजा और रानी के गढ़ी दर्शकों ने क्षेत्र के लोगों ने बहुत आनंद उठाया और इनका एक टीम
परसों कल परसों तीन दिन और है अभी दर्शकों से कहीं और भी अच्छे कलाकार कलम परसों होगा सब लोग आए आनंद लें मैं इनको कहे दिन से मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोग अच्छा कलम या और आगे बढ़े बहुत ही अच्छा हम कई बरसों से इनके हम देख रहे हैं रंग महोत्सव हमारे यहाँ भी हमारे विद्यालय में तो तीन बार हो चुका कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय प्रणव प्रताप सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ इन कलाकारों को नन्हे कलाकार हैं जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं परम सम्मानीय आनंद भैया जी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कलाकारों ने अपने अपने स्थान पर जिस प्रकार का अभिनय दिखाया और आशा करेंगे कि इनकी कला को देखकर भारतीय संस्कृति की कला को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी और जो ये कार्यक्रम हम लोगों के बीच हुआ बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं जय हिंद साहित्यकार जी हमारे बीच में है आदरणीय दाऊ रविंद्र सिंह ठीक है तो नाटक सदुआ तो अभी भी हंस सकता है भगवान पर क्वेश्चन मार्क है इसके आगे तो ये प्रस्तुति है शाम को और इसी के साथ हम आप आज के कार्यक्रम के इस सत्र के आभार के लिए सारदा मंदिर करते हैं सुधीर दादा को और एक बात मैं बताना चाहूंगी मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमारे उपाध्यक्ष महोदय इनका इनको देख के बड़ी ऊर्जा मिलती है और अच्छा लगता है कि युवा इस क्षेत्र में आए हैं और हम लोगों को और सम्मान मिलेगा आज नाटक छाऊर का प्रदर्शन हुआ है और ये बकरगंज का लोक नाट्य है जो एक गायकी और पद्य गद्य दोनों में है दरअसल बात होगी 2001 की लगभग कि हम लोग यहाँ नाटक किया करते थे तो एक बार गोमती प्रसाद दिखल जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा लोक नाट्य छाऊर करो तो उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं था और अपने हमारे सीनियरों से बोल रहे थे किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया उनने उसका खोज की शोध किया था और बाबूलाल दाही जी ने शोध किया उसका 2012 मैंने इसका प्लान किया कि छाऊर इस बार करना है तब से मैंने उसको छाऊर का अपना एक नाटक रूपांतरण करवाया और उसका नाटक पूरा स्वरूप बनाया छाऊर को 2012 से लगातार शो हो रहे हैं बघेलखंड जबलपुर हर जगह पर छाऊर जो है एक लड़के की कहानी है जो कि एक तरह से प्रताड़ित है छाऊर एक जनता का स्वरूप है जनता जो आम जनता है वो स्वरूप है उसका छाऊर तो वो उसके लगान लेने का जो प्रकृति है उस समय आज भी है लगान लेते हैं लोग तो वो राज घराने लगान लेते थे तो वो देने से मना कर देता है बोलता है जब कुछ हुआ नहीं तो कहाँ से देंगे तो फिर वो उसकी गाय भैंस थकवा लेते हैं तो वो अपनी गाय भैंस लेने जाता है यानी जनता का जो प्रताड़ित है उससे संपत्ति छीन लेते हैं तो वापस लेने वो जाता है लगभग इस तरह की कहानी है उसमें और ये हमेशा बघेलखंड में पहले गोपाष्टमी दिवाली से गोपाष्टमी के बीच खेला जाता था और ये 8 दिन लगातार खेलते थे इसको और एक वीर गाथा है और वीर रस से भरपूर है ये नाटक तो कुल मिला के आज कलाकारों ने इसको खेला है और बहुत अच्छे तरीके से खेला है और इसमें कुछ बघेली कलाकार थे और कुछ नहीं थे तो जो बघेली नहीं थे उनने बघेली बोलने की प्रयास किया एक तरह से एक प्रयास ऐसा है
कि नॉन बघेली जिनको नहीं आती वही बघेली बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक तरह से बघेली का प्रसार इस तरह से नाटक के माध्यम से किया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। नाटक तो बघेली लोक नाट्य है, गाथा गायन पर आधारित है, और जो बघेलखंड के अहिर हैं वो दीपावली से के टाइम पे इसको करते थे, धीरे धीरे ये विलुप्त तो हो रहा था तो भैया ने इसको फिर से जीवित किया, और हम लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट ये नहीं था कि हम लोग बघेलखंड से हैं और इसको जीवित किया, बड़ा अचीवमेंट ये था कि बघेली बोली को हम लोगों ने अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों तक पहुंचाया। इस नाटक में जो कलाकार थे उसमें से कुछ कलाकार अलग अलग राज्यों से, तो कुल 5-6 राज्यों के कलाकार इसमें अभिनय करते हैं, तो वो एक अच्छा था, उनको भी बघेली से परिचय हुआ, कोशिश करते हैं वो अच्छी बघेली बोल रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप रीवा में कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ और मेरा गाँव बरहदी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और ग्रेजुएशन तक मेरा एजुकेशन भी रीवा में हुआ है, पीजी मैंने भोपाल से की, वहीं फिर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जॉब भी वहीं स्टार्ट किया, और क्योंकि आनंद ये लोग हम लोग सब एक ही मोहल्ले में रीवा में रहते थे, परिचित थे, तो फिर आनंद ये ने जब अपना ग्रुप स्टैंड किया तो मुझे ले गए करवाया। वैसे ज़्यादा नाटक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जितना जैसा वो बोलते हैं मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप अपनी जो आपने आज नाटक किया उसमें जो आपने पात्र निभाया उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। छाहुर एक अहिर समाज का लड़का रहता है और जो सामंतवादी प्रवृत्ति थी उसका विरोध करता है, उसमें विजय प्राप्त करता है, बाद में उसको जनता का वहाँ के उसके गांव के लोगों का भी सपोर्ट मिलता है कि सही है, बस यही है, एक शौर्य गाथा है। आपकी बड़ी अच्छी आज हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और आशा करते हैं ऐसे और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। में आपने बहुत ही शानदार अभिनय किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आपने प्रशंसा के लिए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा ये मानना रहता है कि जब भी अपन कोई भी पात्र को अभिनित करें मंच पर तो उसके उस पल को क्षण को जीने की कोशिश करें, साथ साथ हम उस व्याकरण का ध्यान रखें जिस व्याकरण के अंतर्गत वो नाटक खेला जा रहा है, मतलब जैसे लोक नाट्य है, रियलिस्टिक पैटर्न में हो रहा है, या अन्य जो नाटक के विविध प्रकार होते हैं। तो मेरा सिर्फ एक और एकमात्र ये ध्येय रहता है कि मैं उस क्षण उस किरदार के साथ उसको जी के उसके साथ न्याय करूं, और साथ साथ जो हमारे नाटकीय तत्व होते हैं, मंच विन्यास से संबंधित चीज़ें होती हैं, म्यूजिक से संबंधित चीज़ें होती हैं, लाइट होती हैं, उनका जो जैसा कि मेरे निर्देशक ने मुझे समझाया मैं उनका अनुपालन। अच्छा भैया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विशाल आचार्य है, मैं मेरा पैतृक गांव अमरपाटन के पास में जमताल है, जिला सतना में, और हमारा जो पैतृक निवास है वो बहुत पुराना रीवा में ही बना है, शुरू से हमारे पुरखे वहाँ के थे जमताल के, और घर हमारा यहाँ रीवा में बना है, और वर्तमान में मैं भोपाल में रह रहा हूँ, लगभग मुझे 21 से 22 साल हो गए थिएटर करते हुए, काफ़ी रंगमंच किया, मैं संख्या में नहीं आना चाहता कितने नाटक के, बहुत किया, करते आ रहे हैं बस, और इससे संतुष्टि मिलती है, और साथ में अपने जीवन यापन के लिए मीडिया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हूँ, उसमें मुझे लगभग 16 साल हो गए, तो ईश्वर की दया है कि सब चीज़ों को अच्छे से कर पाता हूँ, और वहाँ पे भी एक मेरा अच्छा रिकग्निशन है मीडिया इंडस्ट्री में, और यहाँ भी थिएटर में भी मुझे भगवत कृपा है परम पूज्य गुरुदेव की कि मुझे उचित मान सम्मान मिलता है, और यहाँ भी जाता हूँ लोगों को प्यार मिलता है। भैया, बहुत सारे लोग इस थिएटर लाइन में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? आने के पहले सबसे पहले तो अपना विज़न क्लियर रखिए, और किसी भी चीज़ को करने के लिए विशेषकर थिएटर में यदि मैं बात करूं तो 3 P बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिपरेशन, परसिवरेंस एंड पेशेंस। आपकी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कितनी भी अच्छी हैं पर आप उसके अनुरूप यदि तैयारी नहीं करते हैं तो आपका थिएटर करने के 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जितना भी आप थिएटर करना चाहते हैं, तो अपने आप की ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे। दूसरा, ऐसा ये सोच के मत आइए कि थिएटर सिर्फ एक हमारा एक स्टेप है कि हमें मुंबई जाना है, बॉलीवुड जाना है। देखिए, मूल रूप से जो मूल भाव होते हैं वो सिनेमा की स्क्रीन पे भी वही होते हैं, थिएटर में भी वही होते हैं।
तो थिएटर कहीं ना कहीं, हाँ ये बात सच है कि उनको आपको परिष्कृत करने में आपको मदद करता है, पर जो डायनेमिक्स की बात आती है तो थिएटर के डायनेमिक्स अलग हैं, स्क्रीन के डायनेमिक्स अलग हैं कैमरा, तो वो हमें वहाँ पे भी लर्न करना पड़ेगा और थिएटर में करते हैं तो थिएटर के लिए लर्न करना पड़ता है। यहाँ पे आप पूरा ट्रैवल करते हैं, आपका कैरेक्टर प्ले करता है, आपका एक घंटे का नाटक है, डेढ़ घंटे का नाटक आपका कैरेक्टर, तो आपके यहाँ से एक स्टोरी चलती है, तो आप पैरेलली एज ए कैरेक्टर आपका ग्रो होता है, तो आप उसको अनुभूति के साथ उसको महसूस करते हुए आगे बढ़ते हो। बट अनलाइक आपको कैमरा में करना होता है तो आपको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वहाँ पर हो सकता है कि छठवां सीन जो हो फिल्म का, आपके वेब सीरीज़ का, शॉर्ट फिल्म है, वॉट एवर, लाइक अगर आपका टेलीविज़न सीरियल है तो आपके साथ पहले दिन शूट हो रहा हो, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि अरे पहले पांच सीन क्या है, तो वो स्पॉन्टेनियसली। हाँ, थिएटर आपके अंदर ये काबिलियत ला देता है कि आप कैमरे के सामने जाते हैं तो आप उसको सहज रूप से उन भावों को अभिव्यक्त कर सकें और महसूस कर सकें, बट आपको उसके डायनेमिक्स, उसके ग्रामर को, उसके डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो नए लड़कों से मेरा यही कहना है कि आइए, बेझिझक आइए, थिएटर में पढ़ना बहुत पड़ता है। ये मत सोचिए कि जो कुछ नहीं कर पाता वो थिएटर करने चला आता है, कि पता चला एवरेज आउट स्टूडेंट हैं और कभी योगी यार चलो नाटक करके देखते हैं, कहीं संतुष्टि नहीं। नहीं, थिएटर आइए तो थिएटर का एक डिसिप्लिन है, सिंसियर रहिए और पढ़िए। थिएटर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट से होकर आप गुजरते हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको इंग्लिश होना ही चाहिए, साहित्य, लिटरेचर, हमारी लोक परंपराएं, जो भी चीज़ें हैं, तो आपका आपका एक व्यक्तित्व भी बहुआयामी हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप जो आपका मुख्य, अगर आपका व्यवसाय कुछ और है या जीविकोपार्जन का आपका तरीका कुछ और है, तो थिएटर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी को रिवाइव करेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। तो थिएटर करना कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, पर हाँ, थिएटर आइए तो सीखने की ललक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत कीमती सजेशन दिया। थैंक यू सो मच।